जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानसु मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल श्री रुद्रा फिजिकल एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आपको मैं मिलवा दूं हमारी एकेडमी से जो तीन छात्रों ने नर्सिंग असिस्टेंट में भी अपना पंचम लहराया है। GD के बाद इन्होंने दोबारा नर्सिंग में भी अपना 100% पंचम लहरा के आए वहाँ से, और तीनों लड़के हमारे एकेडमी से सिलेक्टेड है। अभी इनका मेडिकल होने वाला है जो कि 7 तारीख को मेडिकल निर्धारित किया गया है। तो आइए इनसे पूछते हैं इनके जो स्ट्रगल का, जो इसका मेहनत का जो सफर था वो एकेडमी में किस प्रकार रहा, और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये पार्टी क्या कहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं एक एक करके सबसे पूछते हैं। तीनों पार्टी, पहले तो सबसे पहले आप सभी को मैं दिखा दूं इनके पास जो इनका जो स्लिप मिला हुआ है, मेडिकल स्लिप जो मिला हुआ है, जो मेडिकल होगा जिस स्लिप के आधार पर सभी दिखा दें एक बार। तो ये इन तीनों का मेडिकल स्लिप रहा। इसके बाद इनका जो मेनली है जो 7 तारीख को मेडिकल होगा, तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी जो भी देख रहे हैं, आप एकेडमी की जो ट्रेनिंग चल रही है उस प्रकार की जितनी जानकारी है सब इनके माध्यम से आपको मिले। और मैं चाहता हूँ एक एक करके ये सभी बच्चे बताएं कि आपको इन्होंने ट्रेनिंग यहाँ पे कैसे किया, दौड़ कैसे किया, और वहाँ पे इनके ट्रेनिंग में और वहाँ की जो भर्ती का माहौल रहा वो किस प्रकार रहा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं रिकेश को बोलूँगा। रिकेश आप बताइए एकेडमी का जो ट्रेनिंग रहा और यहाँ के जो माहौल के यहाँ का जो माहौल था और वहाँ का माहौल था वो किस प्रकार रहा आपके लिए? सर ट्रेनिंग हम जो भी यहाँ किए हैं बहुत बेहतर तरीके से किए हैं, लेकिन यहाँ के ट्रेनिंग वहाँ पे जाने के बाद में कुछ मतलब कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वहाँ चार चक्कर कैसे लगा दिया कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद में बीमो यहाँ सब चीज जो था बहुत अच्छा था, हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है यहाँ पे। गुड शाबाश। नेक्स्ट, अभी हमारे ये एकेडमी से इसका क्या हुआ था कि थोड़ा सा PST में वहाँ पे बाहर हुआ था GD में, लेकिन इन्होंने फिर से अपना नर्सिंग में बढ़िया से 100% अपना ही निकल जाए। तो आप बताइए, आप भी बताओ कैसे आपने ट्रेनिंग किया यहाँ पे और कैसा रहा माहौल यहाँ का? यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद सर वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग किया लो तो वहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि दौड़े हैं लो। रनिंग के बाद मतलब वहाँ का ट्रेनिंग यहाँ के ट्रेनिंग से बहुत अलग था एकदम, और यहाँ का ट्रेनिंग बेस्ट है। यहाँ पे जो बच्चा आएगा रनिंग करेगा उसका 100% निकल जाएगा, कहीं भी रनिंग करे, कहीं भी RO में जाके रनिंग करे उसका 100% निकलेगा। मैं सब किसी से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके आप एक बार जरूर आजमाएं रनिंग के लिए, आपको अपने लगेगा कि आप कहीं भी जाइएगा तो रनिंग निकाल के आइएगा। गुड शाबाश। तो अभी चलते हमारे मेन जो है कलाम, सबसे पहला लड़का जो हमारे से क्वालिफाइड हुआ था, अब इसकी जुबानी सुनते हैं इसने कैसे सफर रखा अपने यहाँ और क्या क्या किया इसने वहाँ पे, और हमारे ट्रेनिंग के बारे में और भर्ती के बारे में ये खुद बताए। कलाम, सबसे पहले तो हम जब यहाँ एकेडमी ज्वाइन किए थे तो 7 दिन तक हमको लगा कि एकदम बेकार है यहाँ ट्रेनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। उसके बाद हम रुक गए और ट्रेनिंग करते करते मतलब इतना ना हम ट्रेनिंग कर लिए कि मुजफ्फरपुर में जब गए तो लगा ही नहीं कि हम कैसे रनिंग मतलब एक्सीलेंट मार लिए। उसके बाद भी उधर मारे, उसके बाद आके कटिहार में भी उसी तरह हुआ सेम, वहाँ पे भी हम 4 राउंड मार लिए लेकिन हमको नहीं लगा कि हम 4 राउंड रनिंग किए हैं। यहाँ इतना ना हो गया था कि उधर क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अगर इधर आप ट्रेनिंग लेके कहीं भी जाते हैं, इंडिया के अंदर कहीं भी अगर जाते हैं तो आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस प्रकार यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद आपको कहीं मतलब ये नहीं लगेगा कि हाँ हमको ये मुश्किल आ रही है या चाहे कोई दिक्कत होगा। तो आप भी ज्वाइन करें, और शुरू में तो आपको लगेगा कि हाँ हार्ड हो रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर सहने का क्षमता अगर बढ़ जाता है तो कहीं भी जाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू में दिक्कत होगा यहाँ पे, अगर यहाँ अगर सह लिए तो दुनिया मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेनली जो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ट्रेनिंग किया, इन्होंने अपनी मेहनत से जो भी था, हम लोग एक जरिया है रास्ता बताते हैं बस, बच्चों को उस पर खुद चलना ही होता है। इन्होंने अपने जो ट्रेनिंग किया था दिल से किया था, इसीलिए इन्होंने GD में भी और नर्सिंग में भी इन्होंने अपना 100% अपना अव्वल दर्जा का ट्रेनिंग करके इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया उसमें। अभी मैं सभी भगवान से दुआ करूँगा कि इनका मेडिकल भी अच्छे से निकले एकदम, और ये अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। तो आप सभी को भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो ट्रेनिंग है आपको मैं बता रहा हूँ, आर्मी की नज़र से आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी फील्ड में चले जाएँ, बिहार पुलिस हो चाहे कोई सा भी हो, GD हो, SSC GD हो, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ध्यान रखना, इधर जो ट्रेनिंग कर लिया आपने, कोई ट्रेनिंग आपको हार्ड नहीं लगेगा। इसके बाद ये जो ट्रेनिंग है थोड़ा आपको कभी कभी हार्ड लगेगा, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको पूरा सेंट्रल ट्रेनिंग से भी मतलब मेल खाएगा। यहाँ का जो ट्रेनिंग है एक बार आपने सीख लिया तो ज़िंदगी में कहीं मार नहीं खाएंगे आप। तो इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आप भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें और जल्द से जल्द संपर्क करें ताकि जल्द से जल्द हम आपको सिखा के आपके लक्ष्य को प्राप्त करा सके। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, और इसी प्रकार से सिलेक्शन जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।